नगर परिषद के कर्मियों ने किया कार्य का बहिष्कार है। 5 महीने से सैलरी नहीं आने के कारण देने गए थे कलेक्टर को ज्ञापन। इस सूचना पर ठेकेदार पहुंचा ज्ञापन स्थल, कार्मिकों को मना कर आश्वासन देकर ज्ञापन देने से रोका। ठेकेदार ने 3 दिन का आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर सभी की सैलरी आ जाएगी। इसके तहत कार्मिकों ने 3 दिन का समय देकर कार्य का बहिष्कार किया। तो इसका क्या कारण है? का बिल पिछले कुछ समय से पेंडिंग चल रहा था और इनका बिल लगा रखे हैं, उस समय में ये बिल हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर और इनका भुगतान भी करवा दिया जाएगा। कितने टाइम से इनकी सैलरी नहीं आ रही? इनकी 5 महीने से तनख्वाह नहीं थी और अब इनका बिल लगा दिया गया। तो 5 महीने सैलरी नहीं आने का क्या कारण है? वो कारण ये है इनका, क्योंकि कुछ इनकी शिकायतें वगैरह थी जिसको लेकर फाइल के ऊपर दिक्कत चल रही थी। इन्होंने कुछ जनरल कमांडर वगैरह ये बना रखे थे जिसको लेके कलेक्टर साहब ने इन्हें कमेटी बना रखी थी जिसको वो जांच वगैरह में थी, तो फाइल उसके अंदर प्रेस चल रही थी। अब फाइल फ्री हो गई है 2 दिन पहले। और तो आपको इस बात की जानकारी थी कि इनके 5-6 महीने से सैलरी नहीं आ रही? हाँ, जानकारी थी ना इसके बारे में। और इन्होंने आपको सूचित भी किया होगा? इन्होंने 4 दिन पहले सूचित किया। इससे पहले 5 महीने में कभी सूचित नहीं किया? बीच में बिल्कुल बोला था इन्होंने तनख्वाह के लिए, लेकिन उस टाइम पे फाइल प्रेस चल रही थी। तो आज भी ये कलेक्टर में ज्ञापन देने गए हैं तो ये बीच से ही वापस लौट आए, इसका क्या कारण है? क्योंकि इनको पता था कि भी परसों के दिन तनख्वाह बन गई, तनख्वाह भी बनाने वाले यही थे। इन्होंने तनख्वाह बना के दी नहीं मेरे को, और चेयरमैन साहब और कमिश्नर साहब के पास में इसकी फाइल थी, उनको ये इस चीज के बारे में अवगत करा दिया। उनको कह दिया कल फाइल हो जाएगी, आज फाइल हो जाएगी, तो भुगतान हो जाएगा। आपका नाम? हिमांशु माथुर।